वेलकम बैक टू सोनी मैथ क्लासेज। मैं राजेश सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस एक्सरसाइज नंबर 16 के सेकंड पार्ट में अब जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट उनका डिस्कशन किया गया है। तो आप देखें यहाँ पर, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, उसमें दिया हुआ है हमें कि प्रथम थैले में 3 लाल और 4 काली गेंद है, जबकि द्वितीय थैले में 4 लाल और 5 काली गेंद। ओके, अब यहाँ पर लिख लें कि दिया गया है कि यह मान लेते हैं हमारे पास 2 थैले हैं फर्स्ट, और यह हो जाएगा आपका सेकंड। तो पहले थैले में 3 तो लाल गेंद है और 4 काली गेंदे हैं। ओके, और नेक्स्ट दिया हुआ है कि दूसरे थैले में 4 लाल और 5 काली गेंद है। ओके, यहाँ पे अपन ने अभी कुछ किया नहीं है, केवल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 5 काली गेंद है आपके पास, 4 लाल गेंद है, और पहले थैले में 3 लाल और 4 काली गेंद है। ओके, अब आप क्वेश्चन को देखें आगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रथम थैले से 1 गेंद द्वितीय थैले में स्थानांतरित की जाती है। ओके, ये आपको इस थैले से 1 गेंद निकाल कर इस थैले में डालनी है। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि आप यह जो गेंद निकाल रहे हैं वह काली भी हो सकती है और लाल भी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर 2 स्थितियाँ बनेंगी। ओके, तो जो पहली स्थिति अपन मान रहे हैं वह है आपकी स्थिति 1, स्थानांतरित गेंद का लाल होना। ओके, तो अर्थात जो पहले थैले से अपन दूसरे थैले में गेंद ट्रांसफर कर रहे हैं वह रेड कलर की गेंद है। ओके, तो वह जो गेंद वह रेड कलर की है, तो अर्थात जब आप इसमें से 1 लाल गेंद कम कर देंगे तो यहाँ पर लाल गेंद बचेगी 2, और काली गेंद वे तो उतनी ही रहेगी क्योंकि 1 गेंद लाल है वह यहाँ पर है, 1 निकाली है अपन ने यहाँ से, तो 3 में से 2 हो गई। अब आप यह जो लाल गेंद है ये दूसरे थैले में मिला रहे हैं, तो दूसरे थैले में पहले से 4 लाल गेंद थी, तो 4 और 1 मिल के हो गई आपकी 5, और इसी प्रकार जो काली गेंद है वे पहले से ही 5 थी। ओके, तो इस प्रकार से आपका दूसरा थैला जो बन गया आपका यह हो गया। और स्थिति नंबर 2 अपन यही ले लेते हैं इसी के पास। स्थिति नंबर 2, जब आपकी स्थानांतरित गेंद काली हो यदि, तो देखिए क्या संभावना बनेगी। तो जो अब आप यह जो कुछ थैला था आपका फर्स्ट थैला, इसमें से अपन जो गेंद ट्रांसफर कर रहे हैं वह आप मान के चल रहे हैं कि वह काली गेंद ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो काली गेंद ट्रांसफर होगी तो यहाँ पर 4 काली गेंद है, तो जब आप 1 काली गेंद ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर काली गेंद बचेगी 3। ओके, तो आप यहाँ लिखे 3 काली, क्योंकि 1 गेंद आपने यहाँ ले ली। अब नेक्स्ट आप देखें कि लाल गेंद भी हमारे पास 3 ही है, तो यह आपके पास 3 लाल गेंद, क्योंकि अपन ने लाल को तो अब यहाँ पर छेड़ा ही नहीं सेकंड कंडीशन जो मान के चल रहे हैं उसमें। अब आप यहाँ देखें कि ये जो ब्लैक गेंद आप यह दूसरे थैले में डाल रहे हैं, तो दूसरे थैले में पहले से 5 लाल गेंद थी और 1 आप मिला देंगे तो काली गेंद हो गई कुल 6, और लाल गेंद है वे 4 ही रहेगी। ओके, तो ये हमारी इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग स्थितियाँ बन गई। तो अब आप यहाँ पर देखें कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि जो एक गेंद प्रथम थैले से द्वितीय थैले में स्थानांतरित की जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए पहला जो काम है वह है कि गेंद को पहले थैले से दूसरे थैले में डालना है आपको। अब आपको यह मालूम नहीं है कि वह गेंद लाल है या काली, तो इसलिए 2 स्थितियां मानी अपन ने कि या तो वह गेंद लाल होगी स्थानांतरित होगी जो, या फिर वह काली होगी। तो यहाँ पे अब आपके पास 2 घटनाएं बनी, तो आप लिखें घटना इवन स्थानांतरित गेंद का, और जो गेंद स्थानांतरित हो रही है वह पहले थैले से हो रही है, यह आप चित्र में देख पा रहे होंगे यहाँ, स्थानांतरित गेंद का लाल होना।
घटना ए टू है आपकी स्थानांतरित गेंद का काली होना। ओके, तो अब आप यहाँ देखें कि जो घटना ईवन है उसकी जो प्रायिकता है वह हो जाएगी, क्योंकि आपने गेंद वह पहले थैले से चुनी है ट्रांसफर करने के लिए, तो यहाँ पर जो ईवन और ई टू घटना है वह आपकी पहले थैले के आधार पर ही होगी इनकी प्रायिकता, क्योंकि आप गेंद वह पहले थैले से चुन रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें कि जो पहला थैला है उसमें लाल गेंद 3 है और टोटल गेंदे हैं वे 7 है, तो यह हो जाएगी 3/7। इसी प्रकार घटना ए टू की प्रायिकता होगी कि निकाल स्थानांतरित गेंद का काली होना, तो पहले थैले में काली गेंदे हैं 4, तो यह हो जाएगा 4/7। ओके, अब इसके बाद जो कार्य हो रहा है वह देखें आप कि जो स्थानांतरित गेंद है, एक गेंद प्रथम थैले से द्वितीय थैले में स्थानांतरित की जाती है और तब एक गेंद को द्वितीय थैले से निकाला जाता है, और निकाली गई गेंद वह आपकी लाल कलर की है। तो जो गेंद अब निकालने आपको बाद में ट्रांसफर करने के बाद, तो जो दूसरा काम है आपका वह है कि स्थानांतरण के बाद दूसरे थैले से एक गेंद निकालनी है आपको। तो अब आप यहाँ पर लिखें क्वेश्चन में है घटना कि घटना ए हो जाएगी आपकी दूसरे थैले से निकाली गई गेंद का लाल होना। ओके, दूसरे थैले से निकाली गई गेंद का लाल होना। तो अब आप यहाँ पर घटना की जो प्रायिकता वह लिखे पी ए बटा ईवन, दूसरे थैले से यदि अपन मान के चल रहे कि जो कंडीशन वह पहली है पी ए बटा ईवन, दूसरे थैले से निकाली गई गेंद का लाल होना। अब आप यहाँ पर देखिए कि गेंद वह स्थानांतरित हो चुकी, अर्थात स्थिति नंबर एक की बात हो रही है, तो इस थैले में आप देखें कि लाल गेंदे हैं वे 5 है और का 5 ही काली गेंदे हैं, तो इसकी प्रायिकता हो गई 5/10। ओके, इसी प्रकार से पी ए बटा ई टू की यदि मैं बात करूं तो दूसरे थैले से निकाली गई गेंद का लाल होना, जबकि घटना ई टू जो है वह थी स्थानांतरित गेंद का काली होना, अर्थात घटना नंबर 2 की बात हो रही है, तो इस घटना की बात हो रही है, तो आप यहाँ से गेंद चुनेंगे, तो अब आप गेंद चुन रहे हैं काली, तो इसलिए सॉरी लाल, तो दूसरे थैले से निकाली गई गेंद का लाल होना जबकि स्थानांतरित गेंद काली है, तो यहाँ पर आप देखें कि लाल गेंदे हैं वे 4 है और टोटल गेंदे हैं वे 10 है, तो यह हो जाएगा आपके पास 4/10। ओके, अब आप यहाँ देखें कि लास्ट में क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन थी वह दी हुई है हमें कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि स्थानांतरित गेंद काली होगी। ओके, अर्थात घटना की बात हो रही है ई टू की, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यदि किसी एक घटना की बात होती है पर्टिकुलर, तो वहाँ पे बेज प्रमेय ही लगती है, तो आप लिखें अतः बेज प्रमेय से पी ई टू अपॉन ए इज इक्वल टू पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू अपॉन पी ईवन पी ए अपॉन ईवन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू। ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक, तो अब आपको आगे विशेष कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और उसे फिर सॉल्व कर लेना है, तो ये वैल्यूज आप ऊपर से देख के लिख सकते हैं यहाँ पर आसानी से, तो आगे का पार्ट वह आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन इसी सेशन में, इसी लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन जो है वह है आपका एक थैले में 4 लाल गेंद है और 4 काली गेंद है और एक अन्य थैले में 2 लाल गेंद और 6 काली गेंद है, अर्थात आपको 2 थैले दिए गए हैं, यह तो आपका पहला थैला है और यह अपन मान लेते हैं दूसरा थैला है, तो इसमें आपको 4 लाल और 4 ही काली गेंदे दी गई है, जबकि इसमें 2 लाल और 6 काली गेंदे दी गई है। ओके, इन दोनों थैलों में से एक थैले को यादृच्छ चुना जाता है। ओके, और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो यहाँ पर जो पहला काम हो रहा है वह है आपका आपको थैला चुनना है। ओके, तो पहला काम है आपका थैला चुनना और फिर दूसरा काम है गेंद निकालना,
तो पहले यहाँ पर थैला चुनना पड़ेगा, तो दो थैले हैं तो थैला चुनने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। तो पहले लेकिन आपको घटना के रूप में लिखना होगा, तो आप लिखें माना जो घटना इवन है वह व्यक्त कर रही है पहले थैले को चुनने को, पहले थैले को चुनना, और जो घटना ई टू है आपकी वह व्यक्त कर रही है आपकी दूसरे थैले को चुनना को। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि दो ही थैले हैं इसलिए किसी भी थैले को चुनने की प्रायिकता वह समान होगी, 1/2 होगी। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर सेकंड कार्य देखें, पहला काम हो चुका थैले का चयन, नेक्स्ट काम आपको उसमें से गेंद निकालनी है, तो नेक्स्ट काम से आपके जो दूसरा कार्य होता है उससे आपकी घटना ए बनती है। तो आप यहाँ पर लिखें कि निकाली गई गेंद का लाल होना, देखो क्योंकि क्वेश्चन में आपको यह बोल रहा है कि वह गेंद वह लाल होनी चाहिए, तो आप लिखें निकाली गई गेंद का लाल होना। ओके, तो अब आप यहाँ पे इनकी प्रायिकता लिखेंगे पी ए बटा इवन, तो यह बनेगा आपका निकाली गई गेंद का लाल होना जबकि पहले थैले का चयन किया गया। अब आप यहाँ पर देखें कि पहले थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है, तो यह बन जाएगा आपका 4/8, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/2 क्योंकि आपको एक गेंद निकालनी है, तो 4c1/8c1, और वह 4 में से लाल में से कोई सी भी एक हो सकती है। तो यह नेक्स्ट आप लिखें पी ए बटा ई टू की वैल्यू, निकाली गई गेंद का लाल होना जबकि दूसरे थैले का चयन किया गया, तो दूसरे थैले में आपके पास 2 ही लाल गेंदे हैं, तो यह हो जाएगा 2/8। ओके, अर्थात इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1/4। अब आप यहाँ पर देखें लास्ट में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई, अर्थात घटना इवन की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी बेज परमेय लगेगी। तो आप लिखें बेज परमेय से पी इवन अपॉन ए बराबर पी इवन इंटू पी ए बटा इवन अपॉन पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बेज परमेय पर ही आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका विविध प्रश्नमाला का, तो इसमें दिया हुआ है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ भी है पहले। एक परीक्षा में एक बहुविकल्पीय प्रश्न जिसके 4 विकल्प है, अर्थात आपके पास उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो अनुमान लगाता है या नकल करता है या फिर उत्तर जानता है। तो यहाँ पे 3 संभावनाएं हैं कि या तो वह अनुमान लगाकर उत्तर देगा या फिर वह नकल करेगा या फिर उसे उत्तर आता होगा। तो 3 घटनाएं बनी यहाँ पर, तो आप लिखें माना घटना इवन है जो है कि अनुमान लगाना। ओके, अनुमान लगाना। घटना ई टू जो है वह अपन ले लेते हैं नकल करना को व्यक्त कर रही है, और घटना ई थ्री जो है यहाँ पे वह व्यक्त कर रही है इस क्वेश्चन में उत्तर जानता है को। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें इनकी प्रायिकता लिखें, तो इनकी प्रायिकता हमें दी हुई होगी क्वेश्चन में निश्चित रूप से, तो वह आपको दिया हुआ है कि विद्यार्थी के द्वारा अनुमान लगाने और नकल करने की प्रायिकताएं हैं वे क्रम से 1/3 और 1/6 है। तो अनुमान लगाने की प्रायिकता है वह है इसकी 1/3 और नकल करने की प्रायिकता अर्थात ई टू की प्रायिकता है वह हमारे पास 1/6। नेक्स्ट, घटना ई थ्री की प्रायिकता आपको दी हुई नहीं है यहाँ पर, तो अब आप यह देखें कि ये जो तीनों घटनाएं हैं वे एक ही घटना क्वेश्चन पे आधारित घटनाएं हैं या एक ही विद्यार्थी पे आधारित घटनाएं हैं, इसलिए इन तीनों घटनाओं की प्रायिकता का योग वह 1 होगा। तो आप लिखेंगे पी ई वन प्लस पी ई टू प्लस पी ई थ्री बराबर होता है हमेशा ही 1। तो यहाँ पे अब आप वैल्यूज पुट करें तो 1/3 प्लस 1/6
प्लस पी ई थ्री इज इक्वल टू वन। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास पी ई थ्री की वैल्यू निकल के आएगी 1/2। ओके, और इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम अपन ने इन तीनों घटनाओं की प्रायिकता लिख ली। अब नेक्स्ट आपको एक घटना ए लेनी होगी, तो नेक्स्ट घटना होती है जो बाद में कार्य होता है, तो वह बाद में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार कि जबकि यह ज्ञात है कि उसने नकल की, यहाँ से पढ़ते हैं, उसके द्वारा सही उत्तर दिए जाने की प्रायिकता, तो जो घटना ए है वह व्यक्त कर रही है उसके द्वारा सही उत्तर दिए जाने को। आप लिखें यहाँ पर घटना ए है वह हो जाएगी विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर देना। ओके, तो यहाँ पर यह बन जाएगा पी ए बटा इवन, विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर देना जबकि उसने अनुमान लगाया। इसका मान हमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो एक बार इसे आप छोड़ दें। पी ए अपॉन ई टू, विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर देना जबकि उसने नकल की, तो इसकी प्रायिकता आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1/8। ओके, तो यहाँ पे आप लिखें 1/8। नेक्स्ट है पी ए अपॉन ई थ्री, विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर देना जबकि वह उत्तर जानता था। तो अब देखिए यह आपकी पहले भी आ चुकी इस प्रकार की घटना, 16.3 का क्वेश्चन था। तो यदि वह विद्यार्थी उत्तर जानता है तो वह सही उत्तर ही देगा, अर्थात यह निश्चित घटना, इसलिए इसकी प्रायिकता होगी 1। अब अपने पास बात आती है पी ए बटा इवन की, तो विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर देना जबकि उसने अनुमान लगाया। अब आप देखिए कि वो जो क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शन दिए हुए थे हमें, और चार में से एक ही ऑप्शन सही होगा कोई ना कोई, तो इसलिए जो अनुकूल घटना है वह एक होगी और टोटल घटनाएं हैं वे चार हैं, तो इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। ओके, इस प्रकार से आपको यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिखनी थी। अब आप क्वेश्चन में देखें लास्ट लाइन को पढ़ें, तो लास्ट लाइन में दिया हुआ है प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ओके, प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अर्थात घटना इवन की, घटना ई थ्री की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो आप इसकी प्रायिकता लिखेंगे तो बेज प्रमेय लगेगा यहाँ पर भी, बेज प्रमेय से पी ई थ्री अपॉन ए इज इक्वल टू पी ई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री अपॉन पी इवन पी ए अपॉन इवन प्लस पी ई टू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री। ओके, और क्वेश्चन से आप यहाँ पर इनकी वैल्यू जब पुट कर लेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा यह क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वह है कि प्रथम छह धन पूर्णांकों में से दो संख्याएं यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन के चुनी जाती है, और जो कैपिटल एक्स है वह दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। ओके, तो आप यहाँ पर लिखें कि चूंकि यादृच्छिक चर जो कैपिटल एक्स होता है उसे यादृच्छिक चर कहते हैं, तो चूंकि यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स चुनी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, इसलिए एक्स के संभावित मान होंगे 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, क्योंकि यहाँ पे 1 को अपन कभी भी बड़ी संख्या में शामिल नहीं कर सकते, और जो प्रश्नानुसार आपका इस क्वेश्चन का जो एस बनेगा प्रतिदर्श समष्टि वह होगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6, क्योंकि टोटल संख्याएं में आपको दी प्रथम 6 धन पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, तो वे 1 से स्टार्ट होंगी, तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं। अब आप यहां देखें कि हमें दिया हुआ x के संभावित x वह बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, इसलिए
इन छह संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वे 2, 3, 4, 5 या 6 में से कोई सी भी एक हो सकती है। इसलिए x के संभावित मान हुए आपके पास 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो प्रसरण ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहला तो प्रायिकता बंटन बनाना होता है, प्रायिकता बंटन की जो सारणी बनती है वह ज्ञात करना होता है। नेक्स्ट काम हमें फिर माध्य ज्ञात करना होता है। नेक्स्ट काम हमें ई एक्स का स्क्वायर ज्ञात करना पड़ता है और फिर जाके आप प्रसरण ज्ञात कर पाते हैं। ओके, तो इस क्रम में आप ये चीज़ें सॉल्व करें। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले प्रायिकता बंटन बनाने के लिए आप एक सारणी बना लीजिए यहाँ पर और उसमें लिखें, आप यहाँ पे लिख लेंगे अपन यादृच्छिक चर। ओके, और जो यादृच्छिक चर है उसकी संभावित जो वैल्यूज है वे 2, 3, 4, 5 अथवा 6 हो सकती है। तो यहाँ पर आप इसे ले लें 6 तक। ओके, अब आप यहाँ देखें कि इस तरफ अपन एक कॉलम और बना लेंगे और वहाँ उसकी प्रायिकता लिखेंगे और यहाँ पर लिख लीजिए आप संभव स्थितियाँ। ओके, तो यदि बड़ी संख्या 2 है तो जो संख्याओं का चयन हुआ वे होंगी या तो 1 और 2 है वे संख्या या फिर 2 और 1 होगी। इस स्थिति में ही बड़ी संख्या 2 हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आप देखें कि यदि संख्या आपकी बड़ी जो संख्या वह 3 है यदि, तो संभावना बनती है कि 1 और 3 हो आपके पास वे दो संख्याएं या फिर 2 और 3 हो। ऐसा होने पर ही बड़ी संख्या वह 3 होगी। या फिर अब आप इसका उल्टा कर सकते हैं कि 3 और 1 होने पर भी बड़ी संख्या 3 होगी और 3 और 2 होने पर भी बड़ी संख्या आपके पास 3 ही होगी। नेक्स्ट, यदि x का मान 4 होगा तो 4 है वह तभी संभव है जब आपके पास संख्याओं का चयन इस प्रकार से हो रहा हो, या तो वे दोनों संख्याएं 1 और 4 हो या फिर 2 और 4 हो या फिर 3 और 4 हो। ऐसा होने पर ही बड़ी संख्या वह 4 हो सकती है या फिर इनका रिवर्स हो सकता है 4 1, 4 2 and 4 3। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें कि बड़ी संख्या यदि 5 है तो छोटी संख्या है वो 5 से छोटी ही होगी। तो इसका अर्थ हुआ कि आपके पास जो क्रमित युग्म है ये संभव है 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5। ओके, या फिर संभावना हो जाएगी 5, 1 की, 5, 2 की, 5, 3 की और 5, 4 की। ऐसा होने पे जो बड़ी संख्या वह 5 होगी। लास्ट, यदि बड़ी संख्या 6 है तो आपकी जो सेकंड संख्या वह 1 से 5 के बीच में होगी। तो अपन लिखेंगे इसे 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6 और 5, 6। और चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे कि ये जो संख्याएं वे बिना प्रतिस्थापन के लेनी है, अर्थात यदि आपने 6 का चयन कर लिया तो 6 को वापस से नहीं चुन सकते, इसलिए अपन 5 और 6 तक ही लिख रहे हैं, 5 और 6, 6 और 6 कभी भी नहीं आएगा यहाँ पर। तो अब या फिर ये संभावना हो जाएंगी आपकी 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4 and 6, 5। ओके, तो अब आप यहाँ देखें कि ये जो टोटल वैल्यूज हैं ये होंगी यहाँ पे आपकी 10 and 8 is 18, 18 2 20, 26 and 4 is 30। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वह होगी 2 upon 30, इसकी प्रायिकता होगी 1, 2, 3, 4, 4 upon 30, इसकी प्रायिकता होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 upon 30, इसकी प्रायिकता होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 upon 30 और इसकी प्रायिकता होगी 10 upon 30। और यह जो 30 है वह ये सारी वैल्यूज हैं, इनका योग है। ओके, क्योंकि बटा में तो हमें हमेशा जितनी भी संभावनाएं होती है उन सभी को लिखना होता है। अब हमारे पास ये वैल्यूज मिली हमें, तो आप इन्हें चाहें तो सरल कर सकते हैं। 1 upon 15 यह हो जाएगा आपका, 2 upon 15 यह हो जाएगा आपका, 1 upon 5 यह हो जाएगा आपका, इसको आप 2 से काटेंगे तो 4 upon 15 और यह हो जाएगा आपका 1/3। ओके, यह इसकी प्रायिकता हो गई। तो यही आपका प्रायिकता बंटन भी बन गया।
ओके, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि उपरोक्त सारणी, उपरोक्त सारणी प्रायिकता बंटन को व्यक्त करती है। ओके, इसके बाद अब आप यहाँ पर नेक्स्ट देखें। अब हमें चाहिए यहाँ पर माध्य का मान, तो आप हेडिंग लगाएं यहाँ पर माध्य, या फिर माध्य को प्रत्याशा भी कहा जाता है। तो जो माध्य होता है वह होता है ई एक्स, अर्थात आपको यहाँ पर जो भी एक्स का मान होता है उसे उसकी प्रायिकता से गुणा करना होता है। तो यह आ जाएगा आपका एक्स आई इंटू पी एक्स आई का योग सम्मिशन, तो यह हो जाएगा आपका 2 × 1/15 प्लस 3 × 2/15 प्लस 4 × 1/5 प्लस 5 × 4/15 प्लस 6 × 1/3। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि जब आप इन्हें सरल करेंगे तो हमें जो वैल्यूज हैं वे मिलेंगी। इनको ऐड करने पे आपको मिलेगा 14/3। ओके, तो आप इसे सरल कर लीजिएगा। ओके, सही से जोड़कर। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट ज्ञात करना है। यहाँ पर अपन ने दो काम कर लिए, यहाँ पर फर्स्ट प्रायिकता बंटन ज्ञात कर लिया, नेक्स्ट माध्य ज्ञात कर लिया। अब आप ई एक्स स्क्वायर ज्ञात करें, तो ई एक्स स्क्वायर में हमें लिखना होता है सम्मिशन एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। तो यहाँ पे यह बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना इसकी प्रायिकता 1/15 प्लस 3 का स्क्वायर 9 गुना इसकी प्रायिकता 2/15 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इसकी प्रायिकता वह है 1/5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और इसकी प्रायिकता वह है 4/15 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और इसकी प्रायिकता वह है 1/3। ओके, अब आप इसे सरल करें, तो इसको सरल करने पे हमें इसकी वैल्यू जो मिलेगी वह होगी 70/3। ओके, अब आप यहाँ पर लिखें कि अतः प्रसरण, या जिसे अपन वेरिएंस भी कहते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स इज ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो अब आप इसे सरल करें, तो यह हो जाएगा आपका 70/3 माइनस 14/3। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा, इसका आपको स्क्वायर भी करना होगा, तो यह हो जाएगा 70/3 माइनस 196/9। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 14/9। ओके, यह इस क्वेश्चन में आपका प्रसरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन यहाँ पर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है 22। तो इसमें दिया गया है हमें कि दो पासों को एक साथ उछाला गया, यदि कैपिटल एक्स वह 6 प्राप्त होने की संख्या को व्यक्त करता है तो एक्स का प्रसरण आपको ज्ञात करना है। ओके, तो अब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें कि दो पासों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि s इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/1, 1/2, 1/3, इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा 1/4, 1/5 एंड 1/6। नेक्स्ट आप लिखेंगे 2/1, इस प्रकार से इसे कंप्लीट कर लेंगे अपन 2/2। ओके, 2/6 आ जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट लाइन में 3/1 से लेकर 3/6 तक हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में 4/1 से लेकर 4/6 तक आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में 5/1 से लेकर 5/6 तक आ जाएगा, और लास्ट लाइन जो है वह हो जाएगी 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 एंड 6। ओके, यह है आपका यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि बनेगा दो पासों को उछालने पे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कैपिटल एक्स है वह 6 प्राप्त करने को संख्याओं को व्यक्त करता है, तो इसे समझें आप। यदि मैं इसकी बात करूं 1 और 3 की, तो यहां पर
छह वह शून्य बार आ रहा है कि किसी भी पासे पे छह नहीं है, तो यहाँ पर तीन संभावनाएं बनेंगी। पहली संभावना, दोनों ही पासों पे आपको छह नहीं मिले, ओके, दोनों ही पासों पर छह नहीं मिले। नेक्स्ट संभावना, किसी एक पर आपको छह मिले। नेक्स्ट संभावना होगी, दोनों पर छह मिले, ओके। ये तीन ही स्थितियां संभव है यहाँ। तो अब हमें लिखना होगा यहाँ पर कि जो प्रश्नानुसार यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स जो है वह छह आने की संख्या को व्यक्त करता है, छह आने की संख्या को व्यक्त करता है, इसलिए एक्स के संभावित मान होंगे 0, 1 और 2। 0 का अर्थ है किसी भी पासे पर छह नहीं आया, 1 का अर्थ है केवल एक पासे पर छह आया, और 2 का अर्थ है दोनों पासों पर छह आया। अब हमें इनकी वैल्यूज की प्रायिकता चाहिए होगी। आप लिखें पी एक्स बराबर 0, और इसकी जो हिंदी होगी वह होगी दोनों में से किसी भी पासे पर छह ने आना, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पी एक्स बराबर 1, तो इसका अर्थ होगा दोनों में से किसी एक पासे पर छह आना। और नेक्स्ट जो है पी एक्स बराबर 2, इसका अर्थ हो जाएगा दोनों पासों पर छह आना, ओके। अब आप यहाँ पर इनकी प्रायिकता लिखें इसके अनुसार, सारणी के अनुसार। तो यहाँ पर आपने जो यह प्रतिदर्श समष्टि लिखा है, इसके अनुसार आप जब प्रायिकता लिखेंगे, तो अब आप यहाँ देखें कि दोनों पासों पे छह आना केवल एक ही जगह संभव है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता होगी लास्ट की 1/36, ओके। नेक्स्ट, दोनों में से किसी एक पासे पर 6 आना, तो यहाँ पे अब आप देखिए कि यहाँ पर जो 6 है सेकंड स्थिति पे आ रहा है 5 पर, और 5 बार यहाँ पर पहले पासे पे आ रहा है, तो टोटल हो गया 10/36, ओके। तो फिर अब आपके पास यह रिमेनिंग बचेगा 25, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, 10 और 1 11 हो गया, और यह 36 में से माइनस होगा तो 25 बचेगा, ओके। यह यहाँ पे हमारे पास इसका मान होगा। अब आप यहाँ देखें कि नेक्स्ट जो अब हमें यहाँ पर करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका प्रसरण ज्ञात कीजिए, तो प्रसरण ज्ञात करने के लिए हमें प्रायिकता बंटन बनाना होता है। तो आप यहाँ पे अब इसका प्रायिकता बंटन लिखते हैं, यहाँ पे आप लिखें एक्स, और यहाँ पे आपको लिखना होगा पी एक्स, तो यह बन जाएगा 0, 1 और 2। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी 25/36, यहाँ वैल्यू होगी 10/36, और यहाँ वैल्यू होगी 1/36, ओके। अब आप इसे सरल करें, तो अब आप इसका माध्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि प्रायिकता जो प्रसरण है उसे ज्ञात करने के लिए माध्य भी चाहिए होता है। तो आप लिखें माध्य EX = summation xi into PXi, तो यह बन जाएगा आपका 0 × 25/36 +1 × 10/36 + 2 × 1/36, तो यह हो जाएगा हमारे पास 10/36 + 2/36, तो 12/36 = 1/3, ओके। यह माध्य की वैल्यू आई। अब आप निकाले ईएक्स का स्क्वायर, तो यह होता है सम्मिशन एक्सआई का स्क्वायर इंटू पीएक्सआई, तो यह बन जाएगा आपका 0 का स्क्वायर है 0 ही होगा, 25/36 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 × 1/36, तो यह हो जाएगा इस बार आपका 10/36 + 4/36, अर्थात 14/36, तो यह बन गया 7/18, ओके। अब आप इसको और सरल कर लीजिए, तो प्रसरण के लिए अब आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करें, तो प्रसरण
सिग्मा जो होता है वह हो जाएगा, अब आपका यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे इसे अपन, तो यह हो जाएगा समीशन ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा तो 7/18 माइनस 1/9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 को आप एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 7 - 2 तो 5/18 है वह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है उसमें दिया गया है कि ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। ओके इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लिख लेंगे, माना घटना ए है वह निकाले गए पत्ते का ईंट का होने को व्यक्त करती है, और जो घटना बी है वह आपके निकाले गए पत्ते का ईंट का न होने को व्यक्त करती है। ओके तो अब आप यहाँ पर इनकी प्रायिकता लिख लीजिए, तो घटना ए की जो प्रायिकता है अर्थात निकाले गए पत्ते का ईंट का होना, तो ईंट के पत्ते होते हैं यहाँ पर हमारे पास ईट, सॉरी यहाँ पर ईंट नहीं है, निकाला गया पत्ता है वह इक्का दिया हुआ है हमें, इक्का होना निकाले गए पत्ते का इक्का होना, तो इक्के होते हैं 4 और शेष पत्ते होंगे 48। ओके इक्के होंगे 4 और शेष पत्ते होंगे 48, तो निकाले गए पत्ते का इक्का होने की प्रायिकता होगी 4C1/52C1 अर्थात 4/52 तो 1/13 लिखेंगे इसे। और इसी प्रकार जो घटना बी है या हाँ यहाँ पर बी बी मान ले आप इसे, तो घटना बी जो है उसमें दिया गया है आपको कि निकाला गया पत्ता है वह इक्का नहीं है यहाँ पे आपका, तो इक्का नहीं होगा तो 48 में से होगा वह पत्ता, आप इसे लिखेंगे 48C1/52C1 48/52 अर्थात 12/13। ओके यह इसका मान हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिखें कि प्रश्नानुसार जो कैपिटल एक्स है वह आपका निकाले गए 2 पत्तों में इक्कों की संख्या को व्यक्त करता है, तो इसलिए एक्स के जो संभावित मान होंगे वे होंगे 0, 1 और 2, क्योंकि हो सकता है दोनों में से किसी भी पत्ते पर इक्का नहीं हो, या फिर दोनों में से किसी एक पत्ते पर इक्का हो, या फिर दोनों ही पत्तों पर इक्का हो। तो अब आप यहाँ पर देखें इसे कि हमें इनकी प्रायिकता लिखनी है, तो पी एक्स बराबर 0 का अर्थ होगा पी दोनों में से किसी भी पत्ते पर इक्का न होना, तो दोनों में से अगर किसी भी पत्ते पर इक्का नहीं होगा तो दोनों बार घटना घटित हुई बी। ओके अर्थात यह हो जाएगा 12/13 × 12/13, आप इसे लिखेंगे 144/169। ओके नेक्स्ट है पी एक्स बराबर 1, तो इसका अर्थ है कि दोनों में से किसी एक पत्ते पर इक्का आना, अब वह हमें पता नहीं है कि वह फर्स्ट पत्ते पे आया या सेकंड पे आया, तो आपको दोनों संभावनाएं लेनी होंगी कि वह फर्स्ट पे भी हो सकता है और वह सेकंड पे भी हो सकता है, तो यह घटना होगी पी ए इंटू पी बी अर्थात पहले पहला जो पत्ता निकाला वह इक्का था और दूसरा पत्ता इक्का नहीं था, या फिर तो या जब अपन लिखते हैं तो वहाँ पर हमेशा प्लस लिखा जाता है, पहला पत्ता इक्का नहीं था और दूसरा पत्ता इक्का हो सकता है। तो आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें तो यह हो जाएगा अब हमारे पास 1/13 × 12/13 + 12/13 × 1/13, तो यह हो जाएगा आपका 12/169 + 12/169 = 24/169। नेक्स्ट अपन लेते हैं पी एक्स बराबर 2, तो इसका अर्थ होगा कि दोनों पत्तों पर इक्का मिला हमें,
ओके दोनों पर इक्का आना, तो अर्थार्थ इस बार दोनों बार में घटना ए घटित हुई, तो इसलिए यहाँ पे आप इसे लिखेंगे 1/13 × 1/13, यह हो गया आपका 1/169। ओके तो अब आप यहाँ पे इसका प्रायिकता बंटन लिख लीजिए, आप लिखेंगे अतः प्रायिकता बंटन हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए एक्स पी एक्स 0, 1 एंड 2। तो 0 के लिए वैल्यू आई हमारे पास 144/169, यहाँ पे वैल्यू आई 24/169 और यह वैल्यू है 1/169। ओके अब आप यहाँ पे इसके लिए इसका माध्य ज्ञात करेंगे, तो जो माध्य है वह हो जाएगा ex, तो यह होता है समीशन xi इंटू pxi, तो इसे अपन सोल्व कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 0 × 144/169 + 1 × 24/169 + 2 × 1/69। ओके तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यह बनेगा आपका 0 + 24/169 + 2/169, तो इसको सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 26/169, अर्थात इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 2/13। ओके तो यह यहाँ पे आपका प्रायिकता बंटन होगा, और इसी प्रकार से अपन यह प्रायिकता बंटन हो गया और यह इस क्वेश्चन के लिए माध्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक पासे को 6 बार उछाला गया और यदि पासे पर विषम संख्या प्राप्त होने को सफलता मानते हैं, तो आप यहाँ पर देखें कि जो n है उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अनुसार दी हुई है 6। ओके यह बर्नौली जो परीक्षण है उसका क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे जो सफलता p है वह है कि सफलता जो है आपकी वह पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना इसे मान रहा है अगला क्वेश्चन के अनुसार, और तो इसलिए p की जो वैल्यू है वह हो जाएगी 3/6, अर्थात वैल्यू हो जाएगी इसकी 1/2, क्योंकि पासे को उछालने पर सम संख्या आना अथवा विषम संख्या आने की प्रायिकता वह समान होती है 1/2। तो यदि p की वैल्यू आपकी 1/2 है तो Q होता है आपका 1 - p, तो यह हो गया 1 - ½ = ½। तो हमारे पास n की वैल्यू भी है, p की वैल्यू भी है और Q की वैल्यू भी आ चुकी। अब आप यहाँ पर देखें कि फर्स्ट जो पार्ट है उसका, इसमें दिया हुआ है हमें p, तथ्यतः 5 सफलताएं मिलनी चाहिए, अर्थात एग्जैक्टली केवल उन 5 सफलताओं की ही बात हो रही है। तो आप लिखेंगे px = 5। अब जो बर्नौली परीक्षण में जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है px = r का, वह होता है आपका ncr p^r × q^n-r। ओके तो अब आप यहां पर यह वैल्यूज पुट करें तो यह बन जाएगा आपका = n की वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार 6 थी, तो 6c 5, p की वैल्यू हाफ है, इसकी वैल्यू 5 × 1/2 की वैल्यू 6 जो पावर है वह 6 - 5, तो 6c 5 की वैल्यू होती है वह होती है 6 × 1/2 की पावर 5 × 1/2। तो यह बन गया हमारे पास, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3/ इसको आप कैंसिल करें, यहाँ पर यह 3 टाइम कैंसिल होगा, तो 3/2 की पावर 5 होता है 32। तो यह इसकी वैल्यू आई। इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, अब वह देखें आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कम से कम 5 सफलताएं मिलनी चाहिए हमें, तो कम से कम 5 का अर्थ है कि एक्स की जो वैल्यू है वह > 5 होगी, कि वह 5 सफलताएं भी हो सकती है और 6 सफलताएं भी हो सकती हैं। तो आप इसे लिखेंगे px = 5 + px = 6, तो यह बन जाएगा फॉर्मूले के अनुसार 6c 5 हाफ की पावर 5 और हाफ की पावर 1,
प्लस सिक्स सी सिक्स वन बाई टू की पावर सिक्स इंटू वन बाई टू की पावर जीरो। अब आप इसे सॉल्व करें तो यह हो जाएगा आपका सिक्स इंटू वन अपॉन टू की पावर सिक्स प्लस इसकी वैल्यू होती है वन, और यह बन जाएगा वन अपॉन टू की पावर सिक्स। तो यह हो गया आपका सेवन अपॉन टू की पावर सिक्स, या फिर आप इसे लिखेंगे सेवन अपॉन सिक्सटी फोर। ओके नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट देखें तो जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है उसमें आपको दिया हुआ है कि अधिकतम पांच सफलताएं होनी चाहिए। तो अधिकतम पांच सफलताएं अर्थात पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव, तो आप इसे लिख सकते हैं वन माइनस पी एक्स इज इक्वल टू सिक्स। ओके तो यह अब आपके पास बन जाएगा वन माइनस सिक्स सी सिक्स वन बाई टू की पावर सिक्स इंटू वन बाई टू की पावर जीरो। तो यह हो जाएगा आपका वन माइनस वन अपॉन सिक्सटी फोर इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री अपॉन सिक्सटी फोर। ओके यह आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इस सेशन का, आज के सत्र का, तो वह है आपका एग्जाम्पल है आपकी विविध का। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो एक पासे के जोड़े को उछालते हैं, यदि बी के साथ फेंकने से पहले ए छह फेंकता है। अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना जो घटना ए डब्ल्यू है, ए डब्ल्यू है वे व्यक्त कर रही है ए के पास ए के द्वारा पासे के जोड़े को उछालने पर छः आना को। ओके तो पासे के जोड़े को उछाल रहे हैं यहाँ पे, तो इसका अर्थ है कि जो छः आना है वह अंकों का योग है। ओके यह जो छः आना है वह अंकों का योग है। ओके आप इस बात को अंडरस्टैंड करें यहाँ पर। और नेक्स्ट घटना ए एल जो ले रहे हैं वह अपन मान लेंगे कि ए के द्वारा पासे के जोड़े को उछालने पर छः ने आने को व्यक्त करती है घटना। ओके तो जब आप एक पासे के जोड़े को उछालते हैं तो उसमें जो छः है वह आप लिखें यहाँ पर, आप चाहें तो स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि पासे के जोड़े को उछालने पर संभव स्थितियाँ, और फिर आप उन्हें सॉल्व कर लें तो यह हो जाएगा। आप सीधे भी लिख सकते हैं पी ए डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास फाइव अपॉन थर्टी सिक्स, क्योंकि देखिए छः है वह आपका पांच ही स्थितियों में संभव है, वन और फाइव हो आपके पास, टू और फोर हो, थ्री और थ्री हो, फोर और टू हो, और फाइव और वन हो, इन पांच स्थितियों में ही छः आ सकता है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता होगी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स। तो इसलिए पी ए एल की जो प्रायिकता है वह हो जाएगी वन माइनस फाइव अपॉन थर्टी सिक्स, अर्थात यह बनेगा आपके पास थर्टी वन अपॉन थर्टी सिक्स। तो ए के जीतने और ए के नहीं जीतने की प्रायिकता वह अपन ने यहाँ पर ज्ञात कर ली है। इसी प्रकार अब आप बी के लिए लिखिए, तो आप लिखें वापस से माना घटना बी डब्ल्यू है वह बी के द्वारा पासे के जोड़े को उछालने पर सात आना को व्यक्त करती है, और जो यहाँ पर सात आना है वह आपको बताया गया है कि यह यहाँ पे अंकों का योग को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि सात आना संभव ही नहीं है, तो जो सात है वह यहाँ पे अंकों का योग है। ओके और घटना बी एल हो जाएगी इस क्वेश्चन में बी के द्वारा पासे के जोड़े को उछालने पर सात ने आना। ओके तो अब आप यहाँ पर लिखें कि पी बी डब्ल्यू की प्रायिकता, तो जो सात है वह आपका छः बार बन सकता है। ओके तो आप इसे लिखेंगे सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स या फिर वन अपॉन सिक्स। इसी प्रकार से घटना बी की बी एल की जो प्रायिकता होगी वह होगी वन माइनस वन अपॉन सिक्स, अर्थात यह हो जाएगा आपका फाइव अपॉन सिक्स। ओके अब आप यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि ए यदि खेलना प्रारंभ करे तो ए के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब आप यहाँ पर एक सारणी बनाएं जिसमें ए और बी के जीतने की प्रायिकता लिख लेंगे अपन, या उनके जीतने की इस संभव स्थितियाँ लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे ए के जीतने की
संभव स्थितियां, और नेक्स्ट आप लिख लेंगे बी के जीतने की संभव स्थितियां। ओके, तो यह हो जाएगा ए के सामने हमेशा एक को ही आपको जितवाना है, तो ए एल बी एल ए डब्ल्यू। अब आप देखिए कि ए खेलना प्रारंभ करता है तो ए है वह या तो पहली बार में जीत सकता है या फिर तीसरी बार में या फिर पांचवी बार में, अर्थात विषम नंबर पे जीतेगा। तो ए एल होगा अगर तो बी एल होगा, ए एल बी एल और ए डब्ल्यू। ओके, और इस प्रकार से यह गेम है वह आपका अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। नेक्स्ट, यदि बी के जीतने के लिखे हैं अपन, तो चूंकि गेम ए स्टार्ट करता है तो बी तभी जीत सकता है जब ए हार रहा हो, तो ए एल होगा तो बी डब्ल्यू हो सकता है या फिर ए एल बी एल ए एल बी डब्ल्यू, अर्थात बी है वह दूसरी चौथी छठी आठवीं सम बार में जीतेगा, तो ए एल बी एल ए एल बी एल ए एल और बी डब्ल्यू। ओके, तो अब आप यहाँ देखें कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अतः पी ए का जीतना, इसकी प्रायिकता चाहिए हमें। तो आप देखें कि ए है वह या तो इस स्थिति में जीत रहा है या फिर इस स्थिति में जीत रहा है या फिर इस स्थिति में, और सभी स्थितियां एक साथ संभव नहीं है। तो आप इसके सामने इसकी जितनी भी संभव स्थितियां है वे सभी लिखेंगे, पी ए डब्ल्यू ए एल बी एल ए डब्ल्यू प्लस पी ए एल बी एल ए एल बी एल ए डब्ल्यू प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो यह हो गया आपका ए के जीतने की जो प्रायिकता थी वह थी 5/36 प्लस ए के हारने की प्रायिकता 36/1/36, बी के हारने की प्रायिकता दी हुई है 5/6 और ए के जीतने की है 5/36। ओके, इसे अपन एक कोष्टक में लिख देते हैं, प्लस ए के हारने की प्रायिकता 36/1/36 इंटू बी के हारने की प्रायिकता 5/6 इंटू 31/36 5/6 इंटू ए के जीतने की प्रायिकता है वह है 5/36। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि यह एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, तो जीपी के जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो अनंत पद होते हैं उनके योग का जो सूत्र होता है वह होता है आपका एस अनंत इज इक्वल टू ए अपॉन 1-r। ओके, तो यह आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो उपरोक्त जो श्रेणी है उसके अनुसार a की वैल्यू है 5/36 और r की जो वैल्यू है वह है ये। तो यह चूँकि आप देख सकते हैं इसे a r इंटू ए आर इंटू आर इंटू ए, तो यह एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो यह हो जाएगा आपका 5/36/1-r, r की वैल्यू है वह है 31/5/36/6, इसे सॉल्व कर लेंगे अपन तो 5/36/216- यह हो जाएगा आपका 155/216। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यह होगा 5/36/216, यह बन जाएगा आपका 61। तो यह आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 30/61। ओके, तो ए के जीतने की जो प्रायिकता है वह यहाँ पर है 30/61 और फिर बी के जीतने की प्रायिकता यदि पूछे क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हैं कि बी के जीतने की प्रायिकता होगी 1-30/61 अर्थात 31/61, क्योंकि ये दोनों एक ही खेल खेल रहे थे तो इसलिए इन दोनों की प्रायिकताओं का योग वह 1 होगा, तो इसलिए अपन ने 1 में से ए के जीतने की प्रायिकता को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो यह अपन ने इस सेशन में इस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वे देखे। अब आपको यदि अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे यह कॉन्टेक्ट नंबर है जो मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पर, इस पे आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। नंबर है 8233569697। ओके, आपको किसी भी टॉपिक में
कोई भी प्रॉब्लम हो यदि तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। यदि आपको और या अन्यथा कोई नोट्स चाहिए हो तो भी आप मुझे कॉल करें, मैं आपको कैसे भी करके है उपलब्ध करवाऊंगा। ओके, बट आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें, अच्छे से आप एग्ज़ाम दें और अपना अच्छा भविष्य बनाएं। ओके, इसी के साथ आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत अभी से आपको बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूँ। अच्छे से पेपर करना आप एग्ज़ाम में। ओके, धन्यवाद।